इट रिक्वेस्ट, इट पुल रिक्वेस्ट एंड इट वॉच। ये सीखेंगे जो नेक्स्ट सेशन होगा इसके अंदर आप लोगों को सीखना होगा, जैसे कि पांचवा सेशन होगा वो ये और भी उससे एडवांस होगा, जैसे कि इट वॉच कॉन्फ्लिक्ट्स, और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है मर्ज होने के बाद उसका जो कंफ्लिक्ट होता है वो कैसे रिमूव करना होता है, वो सारी चीजें उसमें सीखी जाती है। और ब्रांचिंग स्ट्रेटजी होती है उसमें, ब्रांचिंग स्ट्रेटजी। और फाइनली अगर समय मिला तो इसी सेशन में या तो लास्ट वाला सेशन जो होगा इसके अंदर हम लोग सीखेंगे इंटरनल्स, हीट कमांड इंटरनल्स, जैसे कि फेच और पुल में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें इंटरनल्स में हम लोग कवर करेंगे अच्छे से। सो गिट मर्ज ये ज्यादा एडवांस टॉपिक है, गिट मर्ज कंप्लीट, यहाँ से हम लोग बैक भी आ जाते हैं, एक एक कमिट को डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट कमिट जो कि बहुत ही, या इसे हार्ड रिसेट भी कहते हैं, ये एडवांस में आ जाएगा आपका। आज का जो सेशन होगा ये एक टीम वर्क के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जब टीम वर्क होता है जैसे कि 10 लोग एक साथ काम करते हैं और एक ही रिपोजिटरी के अंदर सारा कोड अपना दे देते हैं तो प्रॉब्लम्स आने चालू हो जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, अगर किसी ने कोड खराब कर दिया तो वो उसका जो कमिट है उसने जो भी चेंजेस किए हैं उसे कैसे डिलीट करें या रोल बैक करें पर्टिकुलर का भी, वो अगले सेशन में सीखेंगे। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि एक ही रिपोजिटरी, आप जितने भी बैच में हो, जितने भी लोग कंप्यूटर पे बैठे हो, अगर किसी का कंप्यूटर स्टार्ट नहीं है लैपटॉप स्टार्ट करिए, क्योंकि मैं आप सब लोगों को एक एक्टिविटी करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? तो अपने अपने लैपटॉप स्टार्ट कर दीजिए अभी से। गिट फोर्क, या जैसे ही मैं एक रिपोजिटरी बना रहा हूँ या मेरे पास एक रिपोजिटरी है अभी फॉर एग्जांपल के लिए गिटहब, लास्ट सेशन में हमने कुछ बनाया था, इस रिपोजिटरी में आएंगे और ये मैंने एक रिपोजिटरी बनाई थी, ठीक है? क्या आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है अच्छे से? ठीक हाँ सर, है, तो आप अभी व्हाट्सएप जब ओपन करोगे तो मैं ये ग्रुप में डाल रहा हूँ, ये गिटहब की लिंक जो मेरे रिपोजिटरी की है, ठीक है? ये मैंने डाल दी है आपके ग्रुप पे, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फोर्क का ऑप्शन दिखाई देगा। देखो क्या आप लोगों को ये क्लिक यहाँ पे फोर्क में करना है, फोर्क करने से होता क्या है मैं आप लोगों को पेंट में दिखा देता हूँ, यहाँ से ध्यान से देखो पेंट में इंटरनली ये कैसे काम करता है। जैसे मान लो ये मेरा अकाउंट है, ये जो अकाउंट है मैं ये साइड में मेरा अकाउंट लिख देता हूँ, मेरा अकाउंट है लेट्स सी, ये गिटहब के रिपो अकाउंट में मैं एक रिपोजिटरी बना रहा हूँ, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, और हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है नेक्स्ट वाला कोई EMS वाला एक मॉड्यूल है जिसे कहेंगे ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है? ऑनलाइन एग्जाम वाला पोर्टल रहेगा, ये एक प्रोजेक्ट है मेरे अकाउंट में। लेकिन इसमें अभी काम किसे करना है, किसी किसे काम करना है, जैसे कि निकिता को काम करना है, रोहिणी को काम करना है, अभिषेक को काम करना है, ऐश्वर्या को काम करना है, और सारा कोड जो है अभी ये जो है ये मेरा अकाउंट है, खुद का पर्सनल अकाउंट है, सुनो। और ये जो है अगर ये रिपोजिटरी आप आपके कंप्यूटर पे लोगे तो काम करने के बाद जब आप इसे कमिट करने की कोशिश करोगे
देखो मैं आपका अकाउंट बना लेता हूँ, ये मेरा लोग, ये मान लेते हैं, ये यहाँ पे दूसरा अकाउंट है किसी का, लेट्स सी, महिंद्रा का अकाउंट है, महिंद्रा का कंप्यूटर है लोकल, महिंद्रा का कंप्यूटर है लोकल, देन उसके बाद निकिता का कंप्यूटर है लोकल, अगर ये प्रोजेक्ट जो है मेरे इस अकाउंट का मैं ले लेता हूँ, अगर आप लोग इसे ले लेते हो, यहाँ पे आपके लोकल में काम करते हो, महिंद्रा भी काम करेगा और डायरेक्टली इसे पुश करने की कोशिश करेगा, यानी कि वापस यहाँ पे काम करने के बाद पुश कर लेंगे, पुल तो हो जाएगा, सबका पुल हो जाएगा, गेट क्लोज हो जाएगा, पुश करेंगे तो एक एरर देगा कि आपका अकाउंट है mahindra@github.com और इनका अकाउंट है nikita@github.com, आप निकिता और महेंद्र santosh.com, जो भी संतोष github.com के लिए आप डायरेक्टली पुश नहीं कर सकते, कोड में चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इसके लिए सिंपल सा तरीका है कि ये जो रिपोजिटरी है इसको फोर्क किया जाता है। फोर्क मतलब क्या है कि इसकी सेम कॉपी जो है, इसकी सेम कॉपी जो है आ जाएगी निकिता के पास ऐसे, और इसकी सेम कॉपी अगर जो जो लोग जितने लोग उसे करेंगे उसकी कॉपी जो है आएगी आप लोगों के अकाउंट के अंदर, गिटहब के अकाउंट, जैसे कि वो कॉपी होके ही अपने अपने अकाउंट में आ जाएगी। तो अभी आप लोग पहले स्टेप में क्या करोगे, निकिता जो भी कोड का चेंज है वो अपने खुद के रिपोजिटरी में जो है, जो रिपोजिटरी है इसके अंदर चेंजेस कर देगी। देखो यहाँ पे कोड लिखेंगे और ये वाले रिपोजिटरी में चेंज करेंगे, महिंद्रा भी इसके अंदर चेंज कर देंगे, लेकिन अभी भी ये ओरिजिनल वाली जी थी जो थी, इसके अंदर चेंजेस हो गए क्या जो काम किया था उन लोगों ने? नो नहीं। जी नहीं, पहले आप लोगों ने फोर्क किया, उसकी डुप्लीकेट कॉपी ले ली, अभी आप लोगों ने काम किया। तो अभी आपको करना क्या है कि ये जो आपने कॉपी ली है ये वापस से आपको इनके अंदर भेजनी है, मतलब ये अलग अलग जो अकाउंट से जो काम हो रहा है ये वापस से मेन वाले रिपोजिटरी में ऐड करना है। तो ये जो प्रक्रिया है या स्टेप्स है इसे कहते हैं पुल रिक्वेस्ट, इसे क्या कहते हैं, पुल रिक्वेस्ट, यानी कि महेंद्र पुल रिक्वेस्ट करेंगे, निकिता पुल रिक्वेस्ट करेंगी और मैं इस रिपोजिटरी का ओनर हूं तो मैं चेक करूंगा कि महेंद्र ने सही किया है या गलत किया है। अगर सही किया है तो महेंद्र का कोड जो है ओरिजिनल में जो है मर्ज किया जाएगा, अगर निकिता ने भी सही किया है सारा कोड वेरीफाई करके देखूंगा तो इसे भी, इस जो पुल रिक्वेस्ट है इसे मैं ले लूंगा और मेरे ओरिजिनल ब्रांच के अंदर मर्ज कर दूंगा, दैट्स इट। तो इसमें कितनी स्टेप है, पहला पहला दो ही स्टेप है, एक फोर्क करना है यानी डुप्लीकेट कॉपी लेना है, एक क्लिक पे फोर्क होगा फोर्क, और दूसरे क्लिक पे जो है वो होगा पुल रिक्वेस्ट। अगर मुझे अच्छा लगा कि इन लोगों ने सही काम किया है रिव्यू करूंगा कोड का, तीसरा फाइनली मैं कोड को जो है मर्ज कर दूंगा, दैट्स इट। तो इसी तरह से मैक्सिमम हम लोग काम करते हैं सारे डेवलपर, और आप सब लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। मान लेते हैं कि कंपनी का बिट बकेट है तो फोर्क करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ पुल रिक्वेस्ट करना जरूरी है, मैंडेटरी है। जैसे कि मान लो ये प्रोजेक्ट का आपका दिया हुआ है, प्रोजेक्ट दिया हुआ है, इसका नाम है इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर IMS करके, मान लेते हैं यहाँ पे सारे डेवलपर काम कर रहे हैं, जैसे कि निकिता है, मोहिनी है, अब्रार है, ऐश्वर्या है, सारे अपने अपने लोकल कंप्यूटर से काम कर रहे हैं। तो ये लोग जो अगर गिटहब से अगर आप कर रहे हो, क्योंकि हम लोग गिटहब कर रहे हो, तो ये जो IMS की रिपोजिटरी है आप सब लोगों को फोर्क करनी होगी और आपने यहाँ पे पुल लेनी होगी, अलग अलग तरीके, फोर्क करना है पुल लेना है, फोर्क करना है पुल लेना है, फोर्क करोगे और पुल ले लोगे। तो ऐसे करने से क्या होगा कि आपकी इसमें डुप्लीकेट कॉपी उस ओरिजिनल कॉपी की मिल जाएगी,
आप उसमें काम करिए और पुल रिक्वेस्ट कर लीजिए। एज अ ओनर मैं आके चेक करूंगा सब सही है या नहीं है। अगर सब सही है तो ही मैं पूरा मर्ज करूंगा, नहीं तो मर्ज नहीं करूंगा। जिसका खराब लगा वो कर देंगे, तो उसे हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं उतना कमेंट, तो वो भी हम लोग सीखेंगे लेकिन नेक्स्ट सेशन में। क्या आप लोगों को इसमें कोई डाउट है? क्योंकि हम लोग अभी प्रैक्टिकली करने वाले हैं। होप सो कि आप लोगों ने सबने कंप्यूटर स्टार्ट किए होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल मेरी ये जो रिपोजिटरी है आपके सामने दिखाई दे रही है, ये रिपोजिटरी क्या नाम है इसका, इस रिपोजिटरी का? देखो ये, CISolutions.com हाँ, तो मैंने आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी डाल दिया है। आप जस्ट उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे फोर्क का ऑप्शन आएगा, आप फोर्क कर दीजिए। चलिए, किसी ने भी फोर्क नहीं किया अभी तक, फर्स्ट डू इट। फोर्क करने के बाद वो जो सीआई सॉल्यूशन है, मैं स्टॉप करता हूँ, कोई शेयर कर लीजिए, मैं शेयर ऑन कर देता हूँ। ये टीम वर्क है और आपको खुद करना होगा, इसके अलावा हम लोग देख नहीं सकते, मतलब एक कंप्यूटर से काम होगा नहीं ये। ऋषि रोजना जलका, ऋषि शीतल, मोहिनी, किसी ने भी कंप्यूटर से ज्वाइन नहीं किया क्या? किया सर, बस किया है सर। हाँ, तो वो जो व्हाट्सएप की लिंक है वो ओपन कर लीजिए, मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है आपके ग्रुप में, उसे क्लिक कर लीजिए।